सो गाइस पहुंच गए हैं टेंटो। सो ये है इटालियन स्लो फूड। वाह यार। हे गाइस वेलकम बैक। सो भाई हो गई अपने दिन की शुरुआत एंड जैसे कि कल आपको हमने बताया था हम जा रहे हैं पौंडीचेरी। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं पौंडीचेरी जाने की एंड देख रहे हो जिंदगी के बदलाव कि अपने क्या नाम है अपनी तैयारी से पहले बच्चों की तैयारियां करनी पड़ रही हैं। तो बच्चों के डाइपर बैग तैयार करो। अभी तक अपनी पैकिंग मैंने अभी करी नहीं है, बच्चों की हो गई है। पर सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो कैसे सुन रहा है उसकी बात। चोनी तो चपाक चपाक करके आई थी, चपाक चपाक करके आई थी। और एज यूजुअल अम्मा का फेवरेट काम हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाना रस्ते के लिए, तो वो चल रहा है। क्या क्या बना लिया? हैप्पी लोहड़ी आपको भी। अरे हाँ गाइस हैप्पी लोहड़ी, आज तो लोहड़ी है। तो पराठे बन गए हैं और क्या बना है? ये बच्चों के लिए देखो हमने गुलाब मंगाया है, लोहड़ी पे वो शावर करते हैं ना फ्लावर शावर, तो वो करेंगे। ये स्नैक्स आ गए हैं और क्या क्या है यहाँ पे? ये पूड़े बना दिए अम्मा ने जो कि बनते हैं पकोड़े और पराठे, मस्त। चलो फटाक से रेडी होते हैं एंड फिर निकलेंगे। सो गाइस फाइनली हो गई है तैयारी, 2 घंटे लेट हो गए हैं हम क्योंकि एज यूजुअल हम लोग टाइम पे कभी निकलते नहीं है। 10 बजे निकलना था, 12 बज रहे। और मोनी कितनी एक्साइटेड है तू पौंडीचेरी के लिए? इसको पौंडीचेरी जाना था, बीच यहाँ पे भी है, इसको पौंडीचेरी के बीच देखने थे। कल रात से बहुत लगी पड़ी है यूट्यूब पे वीडियो देखने में। और ये हमारे बच्चे देखो भाई फुल ऑन बीच स्टाइल तैयार हो रखे हैं। मैदान कहाँ जाती थी तुम की? उई कौ कर ली बाबू गाड़ी चलाएगी। और पीछे अम्मा वगैरह बैठे हुए हैं। हेलो चलो जय श्री राम। चलो भाई चलो लेट्स गो। यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है, सो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। मजा शुरू हो गया है, अम्मा का पिटारा खुल चुका है, मस्त। अभी पौने 2 घंटे और बाकी है हमको, तो यहाँ हम रास्ते में देखते हुए जा रहे हैं। लोग पोंगल मना रहे हैं जगह जगह पे, वो क्या बना रहे हैं? तो गाइस पहला ब्रेक लिया है क्योंकि हम पूरे रास्ते में ये देखते हुए आ रहे हैं। रास्ते में ये नारियल ऐसे लटके हुए है ना, नारियल पानी हाउ मच? तो भाई यहाँ पे ना हर जगह पे ऐसे नारियल लटके होते हैं, पेड़ से बांधा हुआ देखो इन्होंने। और यहाँ पे बस इस पे छील रहे हैं। तो भाई सब नारियल पानी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो इसको ही पिलाया जा रहा है। चोनी नारियल पानी पीती है, कैसा लग रहा था? ऐसे पिला रहे हम स्ट्रॉज से। एंड गाइस ये सिर्फ 30 रुपए का है, ओनली 30 रुपीज। तो भाई देखो कितनी सारी मलाई निकली और इतनी मीठी है, एमोनी मीठी है ना, जबरदस्त। बच्चों के लिए भी हमने रख लिया है नारियल पानी। ओए मीठी मीठी वही, अरे बाबा बाबा तुम छप खाओ। ये लो खाओ गाइस, नजारे चेक करो यार, मस्त। पुल से जा रहे हैं, देखो पूरा पानी पानी है, उसके ऊपर से जा रहे हैं हम। अब बस थोड़ी देर में बीच रोड शुरू होने वाली है, बगल में बीच रोड, मजे ही मजे। इसको नींद ही नहीं आ रही चक्कर में, इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर। सो गाइस एक नई चीज खाने रुके हैं हम, ताड़ गोला। ये हमने बॉम्बे में खाया था बट वो छोटा खाया था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं देखो, इतने बड़े बड़े ताड़ गोला। ये गोला ये ताड़, इसको आइस एप्पल भी बोलते हैं। अरे वाह। सो गाइस फाइनली एंट्री हो चुकी है पौंडीचेरी में, और इसको बोलते हैं पुडुचेरी भी। सो बड़े लेट हो गए थोड़े हम,
पर कोई नहीं, कवर कर लेंगे बहुत कुछ। तो अभी मौसम आप देख लो, धूप भी हो रही है। बस अभी 13 मिनट में हम अपने विला में पहुंचेंगे। मुनी विला है या क्या है, होटल है? छोटा टाइनी हाउस। टाइनी हाउस, तो हमने टाइनी हाउस बुक किया, वो आपको दिखाएंगे। गाइस लोकेशन देखो, हम बीच के बिल्कुल बगल में रहने वाले हैं। मतलब यार, और क्या रोड चल रही है। सो गाइस, आई 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 पहुंचते देखो हमको ये कौन मिल गया काटने के लिए, काट रहे हैं हमको। क्या नाम है इसका? जूली। हे जूली। सो गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ पे, एंड इसकी खूबसूरती मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जूली से डर रही है। जूली जा। जूली भी तो पैर काट रही है। यार इतना क्यूट सा Airbnb है ना, मतलब बहुत ही अच्छा बुकिंग करी है मोनिका ने। एंड बेस्ट पार्ट आपको बताऊं, आपने मैप में देखा ना कितना पास था, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना पास है। अभी दिखाता हूँ, पहले आप रूम टूर ले लो मेरे साथ। सो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रूम। ये छोटा सा रूम है, ये पूरा हमारा मेरा बेड एरिया है। यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं, अम्मा है, फिर उसके बाद एक ये अटैच्ड है, दो बेड्स यहाँ पे हैं। आपको कहाँ मचती हो रही है, बहुत नीट एंड क्लीन, बढ़िया। ये दो बेड ये है, और ये वॉशरूम है। वॉशरूम बहुत प्यारा है, वो भी बड़ा बढ़िया है। अभी मोनी गई हुई है, जल्दी आओ व्लॉग बनाना है। सो गाइस ये रहा बाथरूम, यहाँ पे छोटा सा बहुत ही प्यारा सा, और ये देखो ऐसे ये वाला है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्वाइट एज वेल। किसी का घर ही है, Airbnb तो ऐसे होते हैं ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट चीज़ कि ये घर है कहाँ पे। अभी दिखाता हूँ, बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए। सो गाइस ये पूरा इनका बैकयार्ड है जहाँ पे, और ये रहा हमारा जहाँ पे हम रुके हैं, ये इनका खुद का घर है। एंड यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये गेट से निकलते ही, निकलने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस। ये देखो भाई, ये रहा हमारे पास बीच सामने ही, मतलब बिल्कुल बीच पे घर है। यहाँ से वॉक करके जाओ, बीच इंजॉय करो फुल ऑन। ये रहा हमारा घर। ये देखो, ये हमारी फ्रेंड है लूसी, छोटू सी लूसी है। जूली, छोटू सी जूली है। आपका क्या नाम है? नेगा। ओके, शी इज लुकिंग लाइक डियारा। नो कम। गाइस हम लोग एक बार फिर निकल पड़े हैं, बच्चों को खाना वाना खिला दिया था, बढ़िया एकदम सब। मोनी का तो देखा फुल ऑन, एकदम पौंडी वाइब में आ गई, पौंडी वाइब में। मैं तो चेंज वेंज कर रही हूँ, मैंने कहा भाई जल्दी से चलते हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं ऑथेंटिक इटालियन क्यूजीन खाने, जो कि टेंटो करके रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस है। और मैंने इसकी वीडियो देखी थी आज से 5 साल पहले, और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊँगा और वुड फायर पिज्ज़ा खाऊँगा। हाँ मैंने देखी हुई ऑलरेडी वीडियो 5 साल पहले, और मैंने सोचा था यार कितनी सही जगह है ऑरोविल, यार क्या मस्त जगह है, काश मैं कभी जा पाऊँ पता नहीं लाइफ में। और सोचो डेस्टिनी कहाँ से कहाँ ले आती है, और आज मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी चलते हैं, आपको ऑथेंटिक इटालियन क्यूजीन दिखाते हैं, और मस्त वुड फायर पिज्ज़ा बनता है, वो जो होता है ना कि फायर पिज्ज़ा जो उसके अंदर बनता है आपका, लकड़ी के अंदर आग लगा के भट्टी में, ओए होए होए, बड़ा ही स्वाद होता है वो यार। बच्चों को मजे आ रहे हैं खूब। वो मोनी ये देखिए कितना सही लग रहा है। ये क्या है भाई, यहाँ पे लकड़ी का सही काम हो रहा है यार, यहाँ से पूछेंगे। सो गाइस पहुंच गए हैं टेंटो। सो ये है इटालियन स्लो फूड। वाह यार, हम फास्ट फूड खाते हैं, स्लो फूड खा रहे हैं। सो गाइस जस्ट लुक एट द वाइब मैन, दिस इज टेंटो, सी द वाइब, अमेजिंग। सो गाइस दिस इज आवर वुड फायर पिज्जा, सो दिस इज हाउ दे मेक इट यहाँ पे, अमेजिंग। ऑर्डर दे दिया है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे पिज्जा बन रहा है, दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं ये लोग।
भाई जहाँ पे चेकआउट किया भाई, क्या अमेजिंग तरीके से वो लोग पिज्जा बना रहे थे मोनी। सो गाइस पहला ऑर्डर आ चुका है पेस्टो पास्ता एंड देखो ऐसे लग रहा है ये पहली बाइट। एज यूजुअल एक्सपेरिमेंट मेरे से ही होता है, तो मोनी ने बोला है कि आप ही खाओ पहले देखो कैसा है। भाई खुशबू तो बहुत सही आ रही है, मोनी कैसा लगा? बहुत टेस्टी, फुल इटालियन वाइब्स। सो गाइस पिज्जा आ चुके हैं अपने, दिस इज मेडिटेरियन एंड दिस इज मसाला चिकन। सो गाइस आ गए खा के, बढ़िया। मोनी हाउ इज द एक्सपीरियंस? गुड इटालियन वाइब्स। मम्मी ने भी फर्स्ट टाइम खाया है वुड फायर वाला पिज्जा। मम्मी क्या, मम्मी आपको मम्मी कैसा लगा पिज्जा से? चाय अच्छी लगी मेरे को, चाय अच्छी थी, नींबू वाली। मम्मी को आइस टी पिलाई। पहुंच चुके थे घर पे एंड अभी हम लोग आए हुए बीच पे, पता नहीं आपको अभी तो नहीं दिख रहा होगा पर अंधेरा हो रहा है फुल, और मैं और मोनी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घर से जैसे जैसे कदम बाहर होगा तो 10 कदम बाद बीच आ जाता है। तो मैंने मोनी को स्पेशल इंस्ट्रक्शन इसी चीज़ के दिए थे कि बीच आ दूर नहीं होना चाहिए। अपने को ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि मतलब जैसे कि होटल पहुँचे थोड़ा रेस्ट करके फिर बीच पे जाओ, दूर है। जैसे रात को 11 बजे मेरा मन किया बीच पे आने का, मैं जस्ट कदम बाहर रखूँगा 10 कदम चलूँगा, बीच की एक वेव देख के घर जाके सो जाऊँगा, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे बच्चे घर पे हैं, मम्मी लोग के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन आएगा फटाक से जाएंगे बच्चों को करके सुला के वापस बीच पे आ गए, ये फ़ायदा है ना भाई? क्यों भाई गलत बात है? सही तो बात है, चलो अब हम इंजॉय करते हैं। फाइनली लोहड़ी की तैयारी हो रही है, यहाँ पे हमको इन पे फूल बरसाने हैं एज पर रिचुअल्स। तो अभी चालू ही क्या क्या कर रहा है? चलो गाइस लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 बेबे सुंदरी है तेरा कौन बेचारा गुलापट्टी वाला, वो ही बोलेंगे ना, मेरे को आता नहीं है, मैं कुछ भी वर्ड वो यूज करूंगा। पारे लो पापा का फोन आ गया बेबे सुंदरी वाले, बढ़िया हो गया। चलो 1 2 3 बेबे सुंदरी है तेरा कौन बेचारा चूल्हापट्टी वाला, पापा तरह शुरू हो जाओ, 1 2 3 स्टार्ट। बेबे सुंदरी है ओए तेरा कौन बेचारा ओए चूल्हापट्टी वाला, ओए तुले दी ती भी आई ओए के शक्कर पाई ओए ओए, कुछ भी गा रही है, कुछ भी गा रही है, जो मुंह में शब्द आ रहे हैं वो यहाँ से निकाल रही है। चाचा चूरी कुट्टी दम्मा दाला रोटी, कुछ भी बोल रही है, अम्मा के दांत नहीं है ना तो बिना फिल्टर के बाहर आ रहा है। किस पे मुझे नहीं पता पुट वाला कौन सा, डोई 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 इनको देखो मजा आवे। बेबे सुंदरी है तेरा कौन बेचारा चूल्हापट्टी वाला, तुले दी ती भी आई के चक्कर पाई, लाल पटाखा आलू बाटा, अरे अरे चौक ही खानी है बाबू, पूरा नोट नहीं खाना, चॉकलेट खानी है नोट नहीं खाना। So guys आप सोच रहे हम क्या कर रहे हैं गाड़ी में, फिर से इनको सुलाने आए हैं, सो ही नहीं रहते ये लोग, ये देखो भाई अम्मा लोगों ने अपनी घोड़े वो बना लिया लकड़ी की काठी, कह रहे घोड़ा गया मंडी वहां लगी ठंडी, वहां से गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर लगाई सुई घोड़े ने करी हुई, ये कोई लकड़ी की गाड़ी होती है, इसको देखो इसको। मैंने अभी लड़ाई नहीं करूंगा, देखो देख रहा है मेरे को कि पापा लड़ाई करने आ क्यों नहीं रहे। अच्छा सो गाइस वॉफल पैक करा रहे हैं, वॉफल खाएंगे स्वीट डिश में, कोई कुछ खाने का तो मन कर नहीं रहा था, वॉफल ही खाएंगे। दो हैप्पीनेस हमने ले लिए वॉफल, क्योंकि हैप्पीनेस ही होता है। और इसको देखो सोया नहीं है, मिधान सो गया है।
और एक गाइस, तो आज का दिन हो गया खत्म। आज हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, हम सिर्फ एक थोड़ी सी जगह गए थे जो आपको मैंने दिखा दिया। कल जो है आइटनरी हमने सेट कर रखी है, तो अब कल आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो करता हूँ एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड, आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टाटा।